रेखा की समीकरण पढ़नी है। अब रेखा सरल रेखा की समीकरण है, कुछ और रेखा नहीं। तो रेखा की समीकरण हमें देखनी है कि एक सरल रेखा जिसका ढाल दिया हो और एक बिंदु x1 तथा y1 से जाती हो, तो उस रेखा का ढाल हमें पता है, बिंदु पता है, तो रेखा की समीकरण क्या है ये जानना है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, उस रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर रेखा का ढाल गुणा x-x1। x1 और y1 दिए हुए बिंदु होते हैं, है ना? आसान, एक उदाहरण से समझे। तो उदाहरण देखिए, मुझे उस रेखा का ढाल निकालना है जिसका ढाल, माफ कीजिएगा, उसकी समीकरण निकालनी है जिसका ढाल दे रखा है 2 और बिंदु 3,4 से जाती है। ढाल है 2 और 3,4 से जाती है। बहुत आसान है निकालना। कैसे करेंगे भाई? x1 और y1 की हमें वैल्यू दी है, वो कितनी है? 3,4। ढाल दिया है m बराबर 2, मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हुआ? y-4 इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। अब इसे y इज इक्वल टू mx+c वाले रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कौन से वाले रूप में? y बराबर mx+c अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हल कर लेंगे सिंपल। तो क्या हुआ? y-4 बराबर 2x-6। y इज इक्वल टू 2x-6+4 एंड दैट इज 2x-2। सो हम पूरा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x-2। ये y इज इक्वल टू mx+c वाले रूप में आ गई, है ना? आसान बच्चों, बहुत आसान। अब अगर मान लो आपको दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा की समीकरण चाहिए तो कैसे करेंगे? तो हमने देखा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है? y2-y1/x2-x1, यही पढ़ा था ना। तो बस इसी n की वैल्यू आप रख दें। n की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर दो बिंदु दिए हैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है? y2-y1/x2-x1। बस इसी चीज का इस्तेमाल किया और n की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है? तो ये भी आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये रहा सूत्र, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण मान लिया, x1 y1 प्रथम बिंदु है, x2 y2 द्वितीय बिंदु है, तो इन दोनों से जाने वाली समीकरण रेखा की समीकरण होती है y-y1 बराबर y2-y1/x2-x1 x-x1। आसान है, कोई डिफिकल्ट कुछ कठिन नहीं है यार, सब आसान है। एक बिंदु ले लिया, चलिए पहला बिंदु ले लिया मैंने 2,3 और दूसरा बिंदु ले लिया 1,2। तो इससे जाने वाली या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की समीकरण देखनी है। तो देखते हैं इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो बच्चों पहले x1 y1 है 2,3, x2 y2 है 1,2। बस मान रखना है, आंसर पाना है। y-y1 कितना? 3, y1 आ गया 3 बराबर y2 यानी कि 2-y1 दैट इज 3। देखो ये है y1, दिख रहा होगा सभी को, बटे x2 कितना है? 1 माइनस x1, माइनस का 2 इधर रख दिया, x1 की जगह 2 रख दिया, तो अपने को क्या मिला? y-3 बराबर हो गया 2-3 माइनस का 1,
वन माइनस टू माइनस का वन, तो माइनस वन बटे माइनस वन कैंसिल होके वन दे देगा, और इधर एक्स माइनस टू तो वाई माइनस थ्री बराबर एक्स माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेखा का ढाल कितना है, तो एन की वैल्यू वन है। अगर मैं पूछूं यह रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, टेन थीटा बच्चों होता है एन के बराबर, और एम का मान वन है, तो टेन थीटा वन, और थीटा का किस मान के लिए, वो होता है 45 डिग्री, आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो 45 डिग्री का ये कोण बना रही होगी। ठीक है ना आसान। और चीजें सीखते निर्देशांक ज्यामिति की, उससे पहले एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, करना ट्राई करना सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है देख लीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें लिखते जाइए जो बिंदु तीन कॉमा चार तथा माइनस तीन कॉमा दो से होकर जाती है। पहला सवाल। दूसरा, ढाल दिया है आपको पांच तथा बिंदु चार कॉमा पांच से होकर जाए। ठीक है, तो ये रेखा की आपको समीकरण दे निकालनी है, बहुत आसान है, खुद से करिएगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा, देखते हैं क्या आता है।